नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। हथियार के बल पर महिलाओं से चैन स्नैचिंग करते थे लुटेरे। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों पर दिल्ली में 2 दर्जन से अधिक मामले हैं दर्ज। लॉकडाउन की वजह से बुलंदशहर में सक्रिय हुआ गिरोह, इससे पहले दिल्ली में वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह 2-3 महीनों में बुलंदशहर में कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। गिरोह बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं। पकड़े गए गिरोह के सदस्य। पुलिस ने पकड़े गए स्नैचर्स से 4 सोने की चेन, 0.5 किलो चांदी की पाजेब, 2 देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 छुरी और 2 मोटरसाइकिल की बरामद। बुलंदशहर स्वॉट टीम और देहात कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 स्नैचर्स हुए गिरफ्तार। देखिए, बुलंदशहर की स्वाट टीम के द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय स्तर का गिरोह है और उस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के आभूषण बरामद किए गए हैं। इनमें से पूरे हमारे जनपद में चैन स्नैचिंग की 4 महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई थी। 4 में 100% रिकवरी है। एक लूट की घटना खानपुर में हुई थी, उसकी रिकवरी है। और इसका जो सरगना है मोबिन, जिसके खिलाफ दिल्ली में 26 मुकदमे हैं, हत्या से लेकर के लूट और चोरी के मुकदमे हैं। इसका कहना है कि इसने कई 100 चोरियां की हैं, इसे खुद याद नहीं है। इसका दूसरा साथी मोनिस है, उसके खिलाफ 9 मुकदमे हैं जो बुलंदशहर में हैं और अगल बगल के जनपदों में भी मुकदमे हैं। तीसरा अभियुक्त कदीम है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं, सभी जनपद बुलंदशहर के मुकदमे हैं। सूफियान जो अभियुक्त है, उसके विरुद्ध 3 मुकदमे हैं। उल्लेखनीय यह है कि ये जो सरगना है मोबिन, ये दिल्ली में आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में बंदी के कारण वापस आ गया है और यहाँ आने के बाद एक झटके में इसने गिरोह को तैयार किया और महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग और एक लूट की घटना को इसके द्वारा कारित किया गया। काफ़ी दिनों से हमारी टीमें लगी हुई थी, काफ़ी परिश्रम के बाद इस पूरे गिरोह की पहचान की गई। पहचान करने के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में इनके कब्जे से असलहे मिले हैं, आभूषण मिले हैं और इन्हें जेल भेजा जा रहा है।